निवेदिता बहुत डर जाती है और निवेदिता शलाका से कहती है तो मुझे ये दिखाना चाहती थी ना मेरे बर्थडे पर, लेकिन ये कैसे हो सकता है आज के समय में ये सब होते हैं। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम तो मेरी दोस्त थी ना। अरे नागरानी घबरा क्यों रही हो, मेरी बात सुनो, यह आपका असली रूप है, आपका पुनर्जन्म हुआ है, आप नाग लोग की रक्षक हो और रक्षा करते हुए ही आपके साथ ये सब हुआ था। अब आपकी नाग लोग को बहुत जरूरत है, इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही थी कि अब आपके पास सारी शक्तियाँ आ गई है। क्या मैं भी एक नागिन हूँ? लेकिन मैं नागिन हूँ तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? नाग नागिन तो मैंने सुना है नाग लोग में रहते हैं, तो मेरा पुनर्जन्म भी वही होना चाहिए था ना। अगर आपका नागलोक में पुनर्जन्म होता तो वो दुष्ट नागिन मंदाकिनी वापस से आपके साथ फिर कुछ गलत कर देती। आप हमारी रक्षक हो, इसलिए जब तक आपको सारी बातें याद नहीं आ जाती हैं तभी तो मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा लेकिन क्या हुआ था, मैं रक्षक हूँ तो मुझे किसने मारा और फिर नागलोक की रक्षा किसने की? नागरानी आपको धोखे से आपकी ही बहन ने मारा था इसीलिए, लेकिन भोलेनाथ को ये मंजूर नहीं हुआ, तभी तो हमारी रक्षक नागिन का पुनर्जन्म हो गया। और मेरे जाने के बाद नागलोक का क्या हुआ, तब कौन रक्षा कर रहा था? कोई नहीं, अब नागलोक मंदाकिनी के कब्जे में है, उसने पूरे नागलोक पर अत्याचार कर रखा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आपके पुनर्जन्म से नागलोक के सभी नाग नागिनों का भी पुनर्जन्म हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी रक्षा जरूर करेंगी, लेकिन अगर ऐसा है तो तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बहन मंदाकिनी